व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का रायता, जिसके लिए मैंने आधा किलो लौकी ली है। इस तरह उन्हें काट लिया था और इनको बॉईल कर लिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे थोड़ा मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लिया है। अब मैं एक प्याले में दही लूँगी। एक पाव दही तकरीबन हम लेंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये एक पाव दही है। हमने इसको एक प्याले में निकाल लिया है और अब हम इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। व्यूवर्स, एक चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा है, ये मैंने भून लिया था। भुना हुआ ज़ीरा है, इसको मैंने पीस लिया था। ये मैं दही में शामिल कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स का एक चम्मच हम इसमें डालेंगे। हसबे ज़ायका इसमें नमक ऐड करेंगे। व्यूवर्स, अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हमने जो ग्राइंड किया हुआ लौकी थी वो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं। व्यूवर्स, हमने लौकी शामिल कर दिया और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलता। व्यूवर्स, अब हम इसमें चंद पत्ते हरी हरे धनिए के शामिल करेंगे। ये मैंने धो लिया है। अब मैं बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर दूंगी। व्यूवर्स, ये दो हरी मिर्चें हैं, इन्हें भी मैं बारीक बारीक काट कर रायते में शामिल कर दूंगी। व्यूवर्स, ये चंद पत्ते पुदीने के हैं, ये मैंने इसी तरह बारीक बारीक काट कर ना रायते में शामिल करने हैं। पुदीने से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये ज़रूर डाला करें। आप कोई भी रायता बनाएं उसमें ज़रूर पुदीना शामिल क्या करें। व्यूवर्स, मैंने तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। अब मैंने अच्छी तरह फेंट लूँगी, फिर हम इसमें भगार लगाएंगे। व्यूवर्स, भगार के लिए मैंने 3 अदद लहसुन लिए हैं, इन्हें मैं बारीक बारीक काट लूँगी। 5 छोटी ये मैंने मिर्चें ली हैं, गोल मिर्चें 5 छोटे साइज़ की लिए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है क्योंकि हम इसमें भुना हुआ ज़ीरा शामिल कर चुके हैं। व्यूवर्स, ये पैन मैंने अच्छी तरह गरम कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी, तकरीबन 3 स्पून। व्यूवर्स, ऑयल अच्छी तरह गरम हो चुका है। अब हम इसमें जो मैंने आपको भगार के लिए दिखाए थे लहसुन मैं वो काट लिए हैं, अब मैंने इसमें शामिल कर दूंगी। इसी के साथ मैं ज़ीरा भी शामिल कर दूंगी और ये गोल मिर्च, ये सब भगार में एक साथ शामिल कर दूंगी। भगार था मैंने सब इसमें शामिल कर दिया है। अब थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए तो फिर हम ये दही में डालेंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि भगार अच्छी तरह तैयार हो गया है, ब्राउन हो गया है। इस लहसुन भी और लाल मिर्चें जो हैं गोल, वो भी थोड़ी कड़क कड़क हो गई हैं। चलिए अब हम इसे दही में शामिल करते हैं। व्यूवर्स, लौकी का रायता तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जज़ाकअल्लाह।